डुमरा जो है अवामी होना चाहिए। ये जो डुमरा है बजात खुद जो है ये हमारी फैमिली का है। ऐसी बात नहीं है, ये किसी फैमिली का नहीं हो सकता। हम ऊबर वाले नहीं कह सकते कि ये हमारा है। जो एक आर्कियोलॉजिकल साइट है ऊबर में, इसके हवाले से आप काम कर रहे हो, मेरे ख्याल में तीन चीजें बहुत ज्यादा अहम है। सबसे पहली बात ये क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी का मतलब ये है कि ये कब बना है। तो ये किसका है कुछ पता है आपको? नहीं, ये किसका है हमें पता नहीं। कुछ भी पता नहीं है कि जो मुकामी लोग हैं इनकी ये इज्तिमाई कब्रें यहाँ पे बनी हुई है। इनके सामने ये जो मिट्टी का ढेर नजर आ रहा है, ये जो मिट्टी का लाट हमें नजर आ रहा है, अगर हम इसको समझेंगे ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है। अगर ये किसी का है तो ये लावारिस होने का मंजर पेश कर रहा है। अगर ये किसी का नहीं है, अगर अवामी है, तो इसके ऊपर काम क्यों नहीं हो रहा है। इस किस्म के सवाल यहाँ पैदा होते हैं। बच्चे मिले, बूढ़े मिले, बुज़ुर्ग मिले हैं, पढ़े लिखे लोग मिले, हर किसी से अगर हम पूछते हैं तो यही सुनने को मिलता है कि भाई इसके बारे में हम नहीं जानते हैं। बाबू भाई ये बताएं कि डुमरा का नाम सुना है आपने? बिल्कुल सुना है। तो ये किसी एक कौम की मिल्कियत है, ये पूरे या बुबर की मिल्कियत है, इस बारे में आपकी नॉलेज में कुछ है? कन्फर्म नहीं है कि ये किसी एक कौम का है या मतलब अवामी है या किसी बंदे का अपना है। हमने जो अपने मतलब दादा परदादा या मतलब अपने बुज़ुर्गों से जो सुना है ना, वो ये सुना है कि मतलब लोगों का कहना है, हमारे बुज़ुर्गों का कहना है ये कि जो हमारी कौम है, हमारे चार कौमें हैं, उनमें से एक कौम ये अबधे कौम के नाम से जो मशहूर है, हमने सुना है कि ये अबधे कौम का है। जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये डोमरा किसी की अपनी ज़ाती मलकियत नहीं है। अगर होती है तो इसको इसी कंडीशन में नहीं रखते। ये मेरे नज़रों में अवामी है, अवामी किसी का कोई अनुजाती मसले में नहीं है। डुमरा जो है अवामी होना चाहिए, लेकिन हमें सुनने को ये आ रहा है कि ये किसी एक फैमिली का है, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई ख़ास हकाइक हमें पता नहीं। ये जो डुमरा है बजात खुद जो है ये हमारी फैमिली का है। आपकी कौमियत कौन सी है? मैं खुद शर्मतो फैमिली का हूँ और शुक्र अली मेरा दादा है। मैं शुक्र अली फैमिली का हूँ और शर्मतो मेरा कौम है। हम कारी अब्दुल खालिक साहब के घर में आए हैं, तो यहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनके जहनों में एक कन्फ्यूजन है कि ये डुमरा किसकी मलकियत है, किसने बनाया। तो उस हिसाब से हम कुछ मालूम लेने के लिए आज कारी साहब के घर पे हम आए हुए हैं। तो हम कारी साहब से मालूम लेना चाहेंगे। माशाल्लाह ये इलाके के जरगे और फैसलों में अहम किरदार अदा करते हैं और ये नॉलेज भी रखते हैं, हिस्ट्री के बारे में भी ये मालूम रखते हैं। तो जी कारी साहब, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि यहाँ गिजर में इस्लाम कब आया और ये डुमरा का वजूद कब बना यहाँ पे और किसने बनाया, इस हवाले से आप क्या बताना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग टाइम दे के हमारे पास आए हैं। कब और किस टाइम इस्लाम यहाँ आया है वाली बात जो है, ये मेरे हिसाब के मुताबिक जो मेरे नॉलेज में है, वो कोई तकरीबन इस्माइलिज्म जो आया है वो कोई 800 साल पहले की बात है। 800 साल पुराना होगा, 800 साल पुराना होगा। जहाँ तक बात आया था, लेकिन यहाँ पे पूरा इलाके में फिर इस्माइलिज्म का फैलना, मुस्लिम का फैलना एक बड़ा टाइम लगा है। टाइम लगा है उस टाइम लगने में वो जो बुद्धिस्ट थे या मतलब किसी और मजहब से आतिश परस्त थे, जो मर्जी थे, उन लोगों का यहाँ से मुकम्मल खुरूश होना, यहाँ से मुकम्मल खत्म होने के लिए, कन्वर्ट होने के लिए एक बड़ा टाइम लगा है। उस टाइम के दौरान अब हम आएंगे अपने जो डोमरा की आप बात कर रहे हैं, बुबर के अंदर जो मौजूद है, ये जो डोमरा है, आसार कदीमा है, वो कि ये एक बहुत पुरानी चीज है। तकरीबन डोमरा का बना हुआ मेरे हिसाब के मुताबिक कोई 400-450 साल पहले बना हुआ है, 450 साल पुराना होगा तकरीबन हो सकता है, उससे कम उबेश हो सकता है। अब जनाब यहाँ तक बात, ये बुबर के जो लोग है किस तरह बना और कैसे बनाया, ये इसको और ये किसने बनाया है या ये जो डोमरा है किसका है, आप कहते हैं ये किसी कौम का है या किसी फैमिली का है, बुबर के अंदर कन्फ्यूजन है। इस हवाले से मैं आपको ये बताऊंगा कि बजा तो खुद बुबर के लोग सारे तो एक ही कौम के लोग हैं, एक ही फैमिली के लोग हैं। ये लोग आए हैं हकीकतन ये मुगल कौम है, मीर मुगल कौम है, ये मीर मुगल जिन्होंने बड़ी बड़ी हुकूमतें की हैं, कश्मीर के अंदर हुकूमत की है इन लोगों ने। अच्छा, अफगानी मुगल और कश्मीरी मुगलों के अंदर लड़ाइयाँ हुई है, तो उन लड़ाइयों के दौरान ये मुगल जो है वहाँ से यहाँ शिफ्ट हुए हैं, इस इलाके में आए हैं। तो
ये जो मुगल है कश्मीर में कैसे गए? कश्मीर में ये ताजिकिस्तान से, उज़्बेकिस्तान से आए थे। उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के अंदर ये खिलाफत उस्मानिया से भी पहले। अब ये जो ताजिकिस्तान उज़्बेकिस्तान के अंदर जो मुगल कौम थे वो आए थे मंगोल कौम, मंगोलिया से आए थे। वहाँ फिर एक खानदान था, एक फैमिली था, जानिया नाम का एक खानदान फैमिली था। उससे जो है ना हमारे कोई एक बादशाह कश्मीर किया था, फिर कश्मीरी मुगल वो लोग हुए। वहाँ कश्मीर में फिर इन लोगों ने हुकूमत की। कश्मीर से फिर जो है ना मुख्तलिफ दरों से, कोई अपना करगनाला से होते हुए, कोई केल से होते हुए, कोई इधर से आपका जो अस्तौर से होते हुए, मुख्तलिफ दरों से दरें इख्तियार करके, रास्ते इख्तियार करके लोग यहाँ तक आए हैं। जो कि गिलगित के अंदर, जो सिटी के अंदर जो लोग हैं वो तो बहुत ताज़ा अभी आए हुए लोग हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो बहुत पुराने कश्मीर से लोग आए जो लोग हैं वो मेरे ख्याल से बुबर के अंदर है। बुबर के अंदर बहुत पुराने आए हैं। कुरुक नाम का हमारा एक दादा, वो दादा जो कुरुक नाम का एक दादा था, उसके चार बेटे थे। उसके चार बेटों में सबसे पहला बड़ा बेटा जो है वो मुयो नाम का एक बेटा था। मुयो फैमिली वाबस्ता है उसके साथ, फैमिली का नाम उसके साथ मशरूत है। उसके साथ फिर उसका भाई था शर्मतो नाम से एक फैमिली यहाँ मौजूद है। उसके साथ ही अबदी जो है वो एक उसके साथ मशरूत एक पूरी कौम यहाँ पर है। अच्छा, उसके साथ गुरसिंह, जो आप खुद गुरसिंह फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, मैं खुद बजाते खुद अबदी फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ। तो अबदी उस दौरान में जब अंग्रेज यहाँ नहीं थे, अंग्रेज यहाँ आए नहीं थे, उससे पहले भी तो यहाँ लोग थे, उससे पहले भी तो यहाँ लोग कोई हुक्मरानी करते थे अंग्रेजों से पहले। वो कौन लोग थे वो एक सवाल, ये भी एक सवाल बनता है, अहम सवाल है। अब उस जमाने में ये जो हमारे दादा लोग उधर से आए थे, तो ये अबदी जो है ये दादा इसने अपना एक गुम्बद बनवाया था। वो गुम्बद इस इलाके में इलाके को लोगों को जमा करके उसकी हुक्मरानी थी, हुक्मरानी थी। तो उसने लोगों को बाकायदा 12 कोटी कहते हैं हम, का मतलब 12 कोटी मींस ये हुआ कि हाउ भी कहते हैं, कोटी भी कहते हैं। फिर बंदे को हम जो है ना तकरीबन कोई 3-4 किलो गंदम मैं आपको दे दूंगा कि आप जो है ना उधर आके काम करें। इस तरह जो है ना राजा हाँ उधर लोगों को मुआवजा देकर लगाया था, पत्थर फेंकना, मिट्टी फेंकना, उसको बजाते खुद उस मिट्टी का जो टेला बना हुआ है लोगों को जमा करके वहाँ फेंकवाया गया है। अच्छा, ये बना नहीं, बना नहीं था, ये बनवाया था। उसके बाद फिर उसके ऊपर उस दादे ने एक 3-4 मंजिल का एक इमारत तामीर की, जो मैंने आपको नीचे या ऊपर ना ऊपर दो मंजिल थी, ऊपर दो मंजिल थी, नीचे दो मंजिल। तो करीब साहब एक सवाल इधर ये पैदा हो रहा है, तो उस टाइम ये मंजिल की शक्ल में मकान बनाने का सोच किसने दिया? तकरीबन आज से आप बता रहे 600-700 साल पहले की बात। देखना जी, ये इस सवाल का तो मैं आपको इस तरह बात करूंगा ना कि कबल मसीह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में भी फिरौन मिस्र ने, वो फिरौन जो था, फिरौन मिस्र ने वहाँ पर गुम्बद बनाया है। वो भी फिरौन का जो गुम्बद है वो एक गुम्बद है जो इस तरह बना हुआ है, जो पिरामिड जिसको हम मिस्र का जो पिरामिड है वो भी एक किसी ने बनाया है। वहाँ पर लोग तो थे, उस टाइम लोग थे, बिल्कुल थे, वो डिजाइनर थे, कोई बनाने वाला कोई तो था। इसी तरह जो है बहुत पुराने, इससे भी पुराने गिलगित बल्तिस्तान के अंदर सिकरदू के अंदर फोर्ट बने हुए हैं। इस तरह मस्जिद वहाँ एक बनी हुई है, अल्तित फोर्ट, बल्तित फोर्ट, इस तरह के बहुत सारे फोर्ट हैं। वो सारे फोर्ट बहुत पुराने बने हुए हैं। उस टाइम भी लोग थे, नॉलेज रखने वाले लोग थे, बनाते थे। लेकिन लोगों के पास बजाते खुद पर्सन फर्द वाहिद के पास इतने वसाइल नहीं थे कि अपने लिए कोई घर बनाए, वो मुमकिन नहीं होता था। इस तरह झुंपड़ियों में रहते थे। लेकिन वो राजा था जो जिसने अपने लिए एक इस तरह का सिस्टम, अपने लिए एक गुंबद बनवाया, जिस तरह फिरौन मिस्र ने बनवाया, इसी तरह इसने भी अपने लिए अपने लिए एक बनवाकर इस दादे को वहां फिर अंदर रखा। अबदी अलमारियों में अलमारियां बनाई थी, अलमारी के अंदर अबदी दादू को सबसे पहले उसके अंदर रखा, जो मेरा दादा था उसके अंदर रखा। रखने के बाद उसको फिर वहां से जब गल जाता था तो दूसरी लाश को, मेरा दूसरे दादे की लाश वहां अंदर ले जाकर रख कर उसको फिर बाहर निकालते थे। इस तरह कहने का मतलब ये हुआ कि देखना कि अभी आप सवाल कर रहे हैं कि भाई ये किसका है, ये किसी फैमिली का है या ऐसी बात नहीं है, ये किसी फैमिली का नहीं हो सकता है। ये 1935 से पहले इज्तिमाई कोई भी चीज़ बनी हो, 1935 से पहले
यहाँ मैं अभी ताज़ा बात कर रहा हूँ, जो हमारे यहाँ पे जो जो हमारे इलाके के दस्तूर नहीं थे उससे पहले, जो 1935 से पहले कोई भी चीज़ इस इलाके में बना हुआ है तो वो इलाके के लोगों का होता है, वो इलाके का विरासत में होता है, वो इलाके का वर्षा होता है, लोगों का वर्षा होता है, लोगों का असासा होता है, लोगों का असासा होता है, वो किसी का इस्तेमाल फर्दवाहिद का नहीं हो सकता, वो हो नहीं सकता है। अल्तित फोर्ट किसका है? किसका है? वो लोगों की विरासत है। बल्तित फोर्ट किसका है? वो लोगों की विरासत है। इसी तरह आप आगे गुप्त फोर्ट किसका है? वो भी लोगों की विरासत है। बहुत सारी इस तरह चीजें हैं, मीनारे हैं, मीनार बने हुए हैं मुख्तलिफ जगहों में, वो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, वो भी लोगों की विरासत है, वो किसी की अपनी ज़ाती मलकियत हो नहीं सकती, किसी फैमिली की नहीं हो सकती। ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई, ये किसी फर्द वाहिद की या किसी एक फैमिली की नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम बात करें तो ये पहले यहाँ पे छोटे छोटे स्टेट थे, स्टेट बने थे ना, स्टेट बने हुए थे, तो ये मतलब हम ये भी नहीं बोल सकते हैं कि ये डोमरा जो है ना ये बुबुर का है, ये बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं, ये भी नहीं बोल सकते, ये भी नहीं बोल सकते हैं। देखे इसमें गुलमिति था, इसमें बुबुर था, इसमें गुरंजुर था, इसमें गाकुश पाइन बाला, उसके साथ सलेपी, सलेपी नाम है असल तो शिल्पी हम कहते हैं, गोलोदास था, आगे गोटामुस था, दलमुस्ता, बलमुस्ता, ये सारे इलाके ब्रशिस के नाम के नाम है ये सारे। सही। तो ये जितने भी है इसके साथ ले जाकर गुलापुर शेर किला तक ये जो इलाका है सब मतलब यहाँ आकर इसको तामीर किया है, इसको बनाया है इलाके के लोगों ने। हम भूबर वाले नहीं कह सकते कि ये हमारा है, नहीं कह सकते। गुलमिटी वाले फिर उनका क्या है, उधर कहाँ डोमरा बना हुआ है और कहीं भी नजर नहीं है, है तो आप मुझे दिखा दे, कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं, आगे यासीन में कहीं है तो दिखा दे आप मुझे। वो हुक्मरान इधर था तो उसने इधर बनवा दिया, इधर था तो इसने इधर बनवा दिया, फिराउन मिस्र में था तो उसने मिस्र में बनवा दिया। सही बात, ठीक है जी, बिल्कुल। लेकिन इलाके के सारे लोग जमा होकर इस चीज को बनाया था, बनाने के बाद वो मैंने कहा ना कोटी जो है ना गंदम देकर दादा इस तरह जो है ना काम करवाता था, बनवाया था, बनवाने के बाद फिर जो है बाद में वो मर गया, अंदर रख दिया। उसके बाद फिर ये अंग्रेजों की हुकूमत आई, अंग्रेजों के हुकूमत के बाद फिर जो है ना यहाँ पर वो तो इस तरह के लोग थे, वो हुकूमतें कायम नहीं रह सकी, ठीक है जी, दूसरी हुकूमतें आई, दूसरी हुकूमतें आई, तो अभी तक वो चीज़ मौजूद है। लेकिन मेरा कहने का असल मकसद ये है कि महमूद भाई वो किसी का पर्सनल या किसी का कौमियत के ऊपर या किसी के जो है ना फैमिली के ऊपर या किसी इलाके के ऊपर तस्वीर देना उसका है कहना ये गलत है, गलत बात है, ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। वो इज्तिमाई चीज़ है, एक इज्तिमाई बना हुआ है तो सबका है और उसका देखभाल भी हमारे ऊपर फर्ज है। दूसरी बात ना कारी साहब, एक अहम सवाल है, अगर इसके ऊपर अभी तक काम क्यों नहीं हो रहा है, हालांकि गवर्नमेंट के इदारे भी हैं वो इस किस्म की चीज़ों के ऊपर काम कर रहे होते हैं, निजी इदारे भी बने हैं, एकेडियम के भी मुख्तलिफ इदारे हैं जो उनको चाहिए कि इसके ऊपर काम करें, तो इसके ऊपर काम क्यों नहीं हो रहा है, या ये यहाँ के जो लोग हैं उनका तवज्जो नहीं है, तो उस वजह से गवर्नमेंट का तवज्जो नहीं है, ऐसा इसमें क्या है? जहाँ तक बात काम ना होना, ये इलाके की जो है ना अपनी कमबख्ती है, कमजोरी है, अपनी कमजोरी इलाके की कमजोरी है, ये एक लोगों का विरासत है, लोगों को सबको मिलकर मिलजुल कर इसको बनाना चाहिए, सोच समझनी चाहिए इसके बारे में। अभी तो जो मंजिलें बनी हुई थी ऊपर की तरफ, दो मंजिलें ऊपर थी, दो मंजिलें नीचे थी, हमने देखा भी जी हाँ, वो सारी मंजिलें भी लोगों ने उखाड़ कर ले गए, लकड़ियाँ सारी उतार के ले जाके जला दिए, जबकि इतनी पुरानी लकड़ियाँ उस जमाने में डाली हुई जो लकड़ियाँ हैं ऊपर वो अभी तक मौजूद है, अभी तक मौजूद है। बाज़ लोगों ने मंजिलों से उतार कर वो लकड़ियाँ सारी लेकर चले गए लोगों ने, तो वो ले जाकर जला दिया लोगों ने, लोग किसी को एहसास नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। अच्छा, बाजरी लेके जा, बाजरी लेके जा, लोग वहाँ पर कब्जे करना शुरू कर दिया, दुकानें बनी है, दुकानें बना दिया लोगों ने, कब्जे करना शुरू कर दिया। ये देखे जी, किसी का ना होने की वजह से वो इस तरह पड़ा हुआ, लवारिस पड़ा हुआ, लवारिस पड़ा हुआ, पड़ा हुआ। अगर किसी का, अगर किसी का होता तो या मेरा होता आपका, मैं इस तरह उसको कभी खत्म होने नहीं देता। अभी कहते हैं कि भाई अबदी फैमिली का, अबदी फैमिली का दादा उधर जरूर है, दादा जरूर गया है वहाँ, दादे ने बनवाया जरूर है, लेकिन हुक्मरान था तो उसने बनवा लिया, हुक्मरान था तो बनवा दिया, लेकिन अब जो है वो उनसे मुंसलिक तो नहीं, उनसे मुंसलिक उसका नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। वो राजा ने जब बनवाया था तो नीचे जो जमीन थी वो जो जमीन कोई क्या उसका अपना पर्सनल था, इलाके का जमीन था, इलाके की चीज में तामीर हो गया, उसमें तामीर हो गया। सही, ये यहाँ तक की बात है। जहाँ तक बात है अगर क्यों नहीं बनता है, इसको तामीर क्यों नहीं करते हैं, तो आप सब कोशिश करें, तो आप लोगों की मेहरबानी है, आप इस चीज को उजागर कर रहे हैं, आप आगे लोगों तक इस बात को पहुंचाएं। हम इस टाइम अलवाई सफर शाह के रहायशगाह में आप पहुंचे हैं, डोमरा के हवाले से हम प्रोग्राम करना चाह रहे थे और उस पर बाकायदा हमने काम भी किया है। तो अलवाई सफर शाह, हम आपसे ये मालूम करना चाहेंगे सर,
कि लोगों का कहना यही है, ये जो डोमरा जो वजूद में आया है आज से तकरीबन 400 साल पहले इसको बनाया गया है, लोगों का कहना यही है। इस हवाले से आपके क्या तासुरात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले पाक स्क्रीन और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया। आप एक बहुत ही अहम इशू डोमरा जो एक आर्कियोलॉजिकल साइट है भूगर में, इसके हवाले से आप काम कर रहे हो, मालूम करने की कोशिश कर रहे हो। एक छोटी सी कोशिश है। छोटी कोशिश नहीं, ये छोटी कोशिश इन फ्यूचर ये एक बड़ी कोशिश में बदल जाए। तारीख के स्टूडेंट होने की हैसियत से मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तक इस डोमरा पे कोई खातिरखा रिसर्च का काम नहीं हुआ है। बिल्कुल, या आर्कियोलॉजिकली टेस्ट के जरिए, आर्कियोलॉजिकल टेस्ट के जरिए इसको देखने की कोशिश नहीं की गई है। हिस्ट्री जब हम कहते हैं तो इसमें मेरे ख्याल में तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम हैं। सबसे पहली बात यह है कि क्रोनोलॉजी का मतलब ये है कि ये कब बना है। दूसरी बात जीनियोलॉजी, किसने बनाया है। जियोग्राफी इम्पोर्टेंट होता है, जियोग्राफी के हवाले से कोई इशू नहीं है कि ये गदर में बुबर में वाकई है तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं, लेकिन ये हिस्ट्री यहाँ तक महदूद नहीं रहती है। ये जब ये वीडियो अभी दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है, जब ये वीडियो अमेरिका में देखा जाएगा, अफ्रीका में देखा जाएगा या अफगानिस्तान में देखा जाएगा, तो ये जियोग्राफी कहाँ पे ये वाकई है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जियोग्राफी को फॉलो करते हुए अगर कोई इसको देखना चाहे तो वहाँ तक पहुँच सकता है। बहुत ज़्यादा ये तीन चीज़ें, जियोग्राफी, जीनियोलॉजी और क्रोनोलॉजी, ये इम्पोर्टेंट है। अब बात यह है कि ये कब बना है। बिल्कुल, ये कब बना है, कहा जाता है कि ये 450 साल फर्जी, मतलब फर्जी नई बात है। हाँ, सीना बसीना ये कहानी चली आ रही है कि 450 साल, 450 साल अगर इसको हो गए थे। ये आर्कियोलॉजिकल साइट है, इसकी मट्टी को, इनकी हड्डियों को, उस लकड़ी को हमने टेस्ट नहीं करवाया है, लेबोरेटरी टेस्ट करवाने से एकदम मालूम हो जाएगा कि ये कितना पुराना है, कितना पुराना है। आर्कियोलॉजी हमारे लिए बुनियादी सोर्स की हैसियत रखती है। दूसरी बात, बुनियादी सोर्सेस कौन से हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री नहीं है अभी तक। मेरी स्टडी के मुताबिक, मैं जिन जिन लाइब्रेरीज, जिन जिन किताबों को मैंने पढ़ने की कोशिश की, इस हवाले से ये डॉक्यूमेंटेड नहीं है, ये हिस्ट्री डॉक्यूमेंटेड नहीं है। किताबों से बिटवीन द लाइन चीज़ों को उठा के उसको बनाया जा सकता है, तो डॉक्यूमेंटेड कोई चीज़ नहीं है। तो ये कोई भी इस तरह हिस्ट्री का स्टूडेंट कम से कम ये नहीं कहेगा कि अंदाजे से नहीं कहेगा कि मैं ये 450 साल 550 साल सिंपल नहीं कर सकते। टाइम की, हाँ, टाइम का तयन नहीं कर, सिंपल वहाँ की मिट्टी उठा ले, वहाँ की हड्डी उठाए, वहाँ से लकड़ी उठाए, उठा के उसको टेस्ट करवा लो, वो बात सामने आ जाए। या दूसरी बात ये है कि कोई प्राइमरी सोर्स, बुनियादी सोर्स क्या है, किस किताब में ये लिखा गया है कि यहाँ पे ये इतने टाइम से, हाँ, इतने टाइम में ये, इस टाइम में ये बना हुआ है, उस टाइम में ये बना हुआ है, उसका लिंक मिलना चाहिए। हाँ, किताब मिले, डॉक्यूमेंटेड है, और वो भी हिस्टोरिकल बुक हो तो आसानी से ये मालूम किया जा सकता है। सही बात। तो मैं ये कहूँगा कि जब तक इसके ऊपर, मतलब जो ना, कोई इस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। आप जैसे लोग एक टीम बना के इस पर काम कर ले तो कोई इश्यू नहीं है। अलवाइज साहब, दूसरी बात, तो इसके इस चीज़ को, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, इसको महफूज करने के लिए हमें किन इकदाम की ज़रूरत है, बहसत आवाम, हमें हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है कि हम किस तरह इसको महफूज कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं। देखो, कोई भी कौम अपनी तारीख को भूल जाती है तो उनकी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाती है। ये हमारा बेहतरीन आर्कियोलॉजिकल साइट है, इसको हम सब मिल के महफूज, हमें महफूज रखना चाहिए, पर्टिकुलरली हमें काम मिल के करना चाहिए, और हमें दावत देनी चाहिए। एक ATC है, ट्रस्ट फॉर कल्चर है,
और इसके साथ गवर्नमेंट के आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे काम करने वाले इदारे मौजूद है और बहुत सारे इदारे हैं जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स को प्रिजर्व रखने में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। उनको बुलाना चाहिए, बुला के हमें एक टीम की हैसियत से, ये मेरा है तेरा है से हट के हमारा तौर पे, ये हमारा है, इस लफ्ज को लेते हुए ये हमारा है, इस स्लोगन के साथ हम सब मिलकर इसको प्रिजर्व करें। यहाँ पे सियाहत के लिए एक अच्छा पॉइंट है, वो लोग आएंगे देखेंगे, वहाँ आप स्टडी कर ले, रिसर्च कर ले तो मालूम होगा कि ना सिर्फ वो खाली इमारत है बल्कि हमारे हमारी तारीख में हमारे कफन दफन, और ना सिर्फ कफन दफन बल्कि हमारे वैल्यूज़ वहाँ आपको नज़र आ जाएंगे, हमारे इकदार वहाँ पे नज़र आए। सही, तो एक सवाल है आपसे, उसके बाद हम प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। तो अभी तक इसके ऊपर किसी इदारे ने भी नहीं सोचा, गवर्नमेंट भी इसके ऊपर काम करने के लिए तैयार नहीं हो गई, और यहाँ के जो आवाम हैं उन्होंने भी कोई काम करने का शौक़ जाहिर नहीं किया, ऐसा क्यों हुआ? हालांकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक असासा है। महमूद साहब, आपको मालूम होगा जब हम छोटे थे उस वक्त वहाँ पे एक ख़ास इमारत वहाँ पर मौजूद थी, हम खुद वहाँ पे जाते थे और नीचे जो मंजिलों की शक्ल में बने थे वो जो वहाँ पे अलमारियाँ थी वो नज़र आ रही और हड्डियाँ वहाँ पे मौजूद थी। विद पैसेज ऑफ टाइम वो चीज़ अभी नज़र नहीं आ रही है, अभी बिल्कुल मुनदम हो गया है, मुनदम हो के वो अपने असल शक्ल में नहीं है। तो इसको अगर 2 साल 3 साल 10 साल मजीद 20 साल गुजर जाएंगे हमारे दौर में ही इसकी शक्ल क्या से क्या हो गई, पहले से बिल्कुल मुनदरी क्या से क्या हो गई, पहले से बिल्कुल अभी तो शक्ल ही नहीं है। अगर इस पे तवज्जो नहीं दिया गया तो ये बिल्कुल आर्कियोलॉजिकल एक अच्छी साइट को हम खो देंगे। बिल्कुल, हम सब मिल के मैं इस प्रोग्राम के तवज्जो से गवर्नमेंट के इदारों से, अखंड ट्रस्ट फॉर कल्चर है उससे, और दीगर NGOs जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे काम कर रहे हैं उनसे गुजारिश कर लूँगा कि आइए और हमारे पास एक अच्छी साइट है, सब मिलके इसको प्रिजर्व कर लेंगे, कंट्रीब्यूट हम भी कर लेंगे, आप भी कंट्रीब्यूट कर लें, आप टेक्निकल सपोर्ट हमें दे दें, हमें हमारी तरफ से जो खिदमत हम इसको बचाने के लिए कर सकें हम देंगे, आ जाइए और इसको सब मिल के प्रिजर्व कर। अलवाइज साहब, अब ये जो मुनहदम है इसमें लोगों ने कचरे जो भी डालना था चीज़ें डाल के ये बिल्कुल बंद हो गया है, अगर इसके ऊपर काम किया जाए मुखलिसी से तो ये मुमकिन है कि हम जो पहले था नीचे मंजिल की शक्ल में जो मकान बने थे उसकी तह तक जा सकते हैं। अभी इसके ऊपर जो मकान था वो अपने असल सूरत में नहीं है, उसको ट्रेडिशनल और मॉडर्निटी दोनों को मिला के इसको किसी उसको असल सूरत में तो लेके जा नहीं सकते, लेकिन मुमकिन है उस जैसा मुमकिन है। AKTC इस पर बहुत अच्छा काम करता है कि उस दौर में जिस दौर में वो बना है उस स्ट्रक्चर में ही उसको बनाने की कोशिश करता है। जैसे आप लाहौर में जाओ, शाही बाज़ार है, वहाँ शाही हमाम है, शाही हमाम तो नीचे ख़त्म हो गया था, वो नज़र ही नहीं आ रहा था, अब AKTC ने अखंड ट्रस्ट फॉर कल्चर ने उसको दोबारा नीचे खुदाई करके निकाल के उसको उसी फॉर्म में प्रिजर्व करने की भरपूर कोशिश की है, और अब भी वो पंजाब गवर्नमेंट को वो जो बंदा वहाँ पे मौजूद था AKTC का, वो कह रहा था कि 7 लाख विजिटर्स एक हफ्ते में आते और 20 रुपये का टिकट है भी उसको देखने के लिए, शाही हमाम को देखने के लिए 20 रुपये का टिकट है, और पंजाब गवर्नमेंट की इकोनॉमी में बजट में एक खतरखा इजाफा हो रहा है, 7 लाख एक हफ्ते में आते, अंदाज़ा कर लो महीने में कितने साल में वो कितना बजट दे रहा होता है, कितनी इकोनॉमी कितनी, ये अगर साइट हो जाती है रिजर्व तो यहाँ पे एक अच्छा व्यू है, ना सिर्फ ये उसकी वजह से ये डुमरा की वजह से उस इमारत की वजह से बल्कि ये वो पॉइंट है जहाँ पे पूरा बूबर अच्छी तरीके से, ना सिर्फ बूबर बल्कि एक अच्छा व्यू पूरा गुलमोती और सिंगल तक का एक व्यू नज़र। अच्छा दोस्तों, अलवाइज साहब ने अपने ख्याल का इजहार किया, ये डुमरा इस टाइम एक ऐसे जगह में हमें नज़र आ रहा है, आपने हालिया सैलाब से जो मुतासर हुए थे घराने उनको उससे आगे मॉडल विलेज बनी है,
बिल्कुल मेटल रोड है, अगर इसके ऊपर संजीदगी से काम की जाए, अगर गवर्नमेंट का इसमें थोड़ा सा सपोर्ट हासिल किया जाए और उसको अगर बना के जिस तरह अलवाइज साहब ने मिसाल दी वहाँ जो टिकटिंग का जो सिस्टम बता रहे थे, अगर हम इस तरह करें तो लोगों का एक बड़ा हुजूम यहाँ पर आ सकता है और ये लोगों का तवज्जो का मरकज़ बन सकता है।